हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको पता ही है इन्फोसिस की जॉइनिंग आनी स्टार्ट होगी। आई थिंक 19 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, अब आते आते चलते ही जाएगा और 13 फरवरी तक है और इसके बाद भी होने ही वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्चुअल ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ चेक पॉइंट क्या होते हैं, कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको मैंडेटरी वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, और ये कैसे पता लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग वर्चुअल है कि नहीं, और वो जो अभी तक वेट कर रहे हैं उनके बारे में क्या न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमने आई थिंक जो भी रीसेंट टाइम में जो भी हायरिंग आई है, ऑनबोर्डिंग आई है, किसी भी इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो मैंने कवर जरूर किया है। ऑलरेडी हमारे पास ना अराउंड 1200 या इससे भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, और उसके अलावा हमने पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप एक बार गुरु थ्रू जरूर होना, ठीक है। चाहे आप इन्फोसिस में अपने ज्वाइनिंग होने वाली है, सेंचर, TCS, विप्रो, जो जिसमें भी कंपनी में, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कंपनीज से रिलेटेड वीडियो बना रखी है और इन्फोसिस में आई थिंक मैंने हर एक टॉपिक कवर कर रखा है। तो इस प्लेलिस्ट में आप एक बार गो थ्रू जरूर होना, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर आप रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने पहले भी किया तो आई थिंक स्टार्ट में, आई थिंक लास्ट 2020 जून जुलाई में हमने बहुत सी मतलब जितने भी डाउट थे ना सारे कवर किए थे, यही सारे जो पहले भी आए हुए थे। ऑब्वियस बात, जब जब ज्वाइनिंग होती है ये सारे डाउट आते हैं कि ट्रेनिंग वर्चुअल है कि नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, मतलब कि ठीक है ट्रेनिंग के से पहले भरने हैं कि बाद में भरने हैं, ये सारे चीज़ सारे डाउट हमने ना पहले क्लियर किए हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंडेटरी जो होते हैं ना, कि कौन कौन से चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट और वर्चुअल ट्रेनिंग का जो हमें कैसे पता लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं दोनों दिखाने वाला हूं, एक जो जून वाला भी, मार्च वाला भी और अभी दिसंबर वाला भी। तीनों जो चेक पॉइंट है ना बिल्कुल सेम है सभी में। और उन्होंने ना जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग होने में, काफी लोग पूछते हैं ना कि ज्वाइनिंग जो हमारी होने वाली है वर्चुअल होगी या वहां पे बुलाएंगे, क्योंकि लोकेशन मेंशन होती है। जब भी आपका ऑफर लेटर होता है तो वहां लिखा होता है आपकी ट्रेनिंग लोकेशन मैसूर। तो वो ना आपको आई थिंक कुछ दिन पहले आपको एक ईमेल करते हैं कि कोविड की, तो वो आपको एक ईमेल करते हैं उसमें लिखा होता है मतलब कि कौन कौन से चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट में क्या ही होगा, यानी कि आपके सेमेस्टर, मतलब कौन कौन से सेमेस्टर के आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से पेंडिंग है, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, क्या आप हायर स्टडी पे तो नहीं जाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा ये भी मैंशन किया होता है कि इसके साथ ही एक और ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो वर्चुअल होने वाली है। अभी तक जो सबसे रिसेंट वाला है 19 दिसंबर का, और आगे भी ये लोग यही फॉलो करने वाले। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और जो मार्च जून वाला है सारा। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये है हमारा, ये जो है ये है 9 जून वाला, ठीक है। तो ये आपके चेक पॉइंट आते हैं जब भी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। जैसे कि अगर आपकी जून में ज्वाइनिंग थी, आई थिंक मान लो मेरी या मेरी नहीं मतलब जिसकी भी जून में ज्वाइनिंग थी, उसको आई थिंक 2-3 दिन पहले आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर अपनी कैंडिडेट ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रीज़न क्या है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये तो देखो जून में अगर आपकी ज्वाइनिंग, देखो 7 जून की ये मैसेज आया हुआ है ईमेल, तो यहाँ पे ना खुद ही इन्फॉर्म करें, प्लीज़ बी इन्फॉर्म योर ज्वाइनिंग इज़ वर्चुअल, फर्दर नोटिस कीप इन योर माइंड कोविड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग थी वर्चुअल थी, ये है जून की बात। तो अब हम मैं दिखाता हूँ मार्च, ये है 21 मार्च 2022। तो इसमें भी सेम चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है, कि जो आपके कोविड के कारण आपकी ज्वाइनिंग है वो होने वाली वर्चुअल। और इसमें भी आपके चेक पॉइंट आपके सेम ही है, वही कि जो भी आपका रिसेंट ग्रेजुएशन है, अगर आपकी ग्रेजुएशन मान लो बीटेक, तो 1 से लेकर 8 सेमेस्टर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि आपने हायर वो करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकती हो। फिर आपका करंटली डिग्री है नहीं है, कौन सा रियल पेंडिंग है, क्यों है, अगर आप बाहर रह रहे हो तब भी आपने बताना है, इंश्योर ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो जिस दिन भी आपको आता है ना, यहाँ पर टाइम डेट वगैरह मेंशन की होती है, तो आपको उस दिन से या टाइम से पहले ये आपको सबमिट करना होता है या रिप्लाई करना होता है, ठीक है। ये तो बात रही पहले की, और अभी मैं सबसे रिसेंट वाला दिखाता हूँ जो 19 दिसंबर को हुआ था। तो इससे पहले आपने देखा ही दोनों, मैंने आपको मार्च का भी दिखाया और जून का भी, और ये सबसे रीसेंट वाला दिसंबर वाला 2 से 3 दिन का ये देख सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म डेट योर ज्वाइनिंग ऑफ इज वर्चुअल अनटिल फर्दर नोटिस। तो मैंने हमेशा ही बोला है कि देखो स्टार्ट तो आपको ये वर्चुअल करेंगे, आगे जो कुछ भी होगा ना, चाहे वो बाद में आपको मैसूर बुलाए, ये खुद बता देंगे ईमेल वगैरह करके, ठीक है। और चेक पॉइंट आपके सेम ही होने वाले हैं जो आपने इससे पहले देखे हैं, ठीक है। तो ये हमने मैंडेटरी वाला भी बता दिया, चेक पॉइंट भी बता दिया,
और मैंडेटरी में तो आपके डॉक्यूमेंट ही होंगे, ठीक है। ये हमें जितने भी डॉक्यूमेंट हों पॉसिबल हों आपके एजुकेशन वाले, वो इकट्ठा कर लेना, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो, हार्ड कॉपी में हो। हार्ड कॉपी में तो बात की में ज़रूरत पड़ेगी जब वो कुरियर करने को बोलते हैं। और दोस्त हुआ वेटिंग, तो वेटिंग तो करते रहो, क्योंकि वेट तो कर, अगर आपके ऊपर, मैंने आपको आई थिंक कितनी बार बोला, अगर आपके ही ऊपर है वेट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का जो अब ज्वाइनिंग हो रही है, देख सकते हो जिनको मई मई में जून में ऑफर लेटर आ गया, या सिलेक्शन मिल आ गया था, उनकी ज्वाइनिंग अब फरवरी में हो रही है। लगभग अगर 9-10 महीने हो चुके हैं। बाकी आप अपना हिसाब लगा सकते हो इसी हिसाब से कि उनकी 9 महीने में हो रही है तो आपकी कब तक हो सकती है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।